लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से सुर्खियों में चल रही राजधानी में अब रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने हजरतगंज जैसे पौश इलाके में दिन दहाड़े असलहा दिखाकर अंडा कारोबारी को रंगदारी देने के नाम पर धमकाया। रंगदारी ना देने पर उसको खामियाजा भुगतने को बोलकर 9-2-11 हो गए। HDFC बैंक में पैसा जमा कराने आए व्यापारी को साजिद नाम की बदमाश ने अपने 5 ग्रुपों के साथ मिलकर असलहा दिखाते हुए 10 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी मांगने का आरोपी पूर्व सांसद दाऊद अहमद का चचेरा भाई बताया जा रहा है। वहीं धमकी मिलने के बाद मोहम्मद मुशफिक नाम का व्यापारी शाम 7 बजे SSP से मिलने पहुंचा था, जिसके बाद SSP के निर्देश पर हजरतगंज इंस्पेक्टर ने रात 11 बजे आरोपी साजिद व घटना में शामिल 5 अज्ञात के खिलाफ IPC की धारा 504, 506 व 386 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पूरा मामला हजरतगंज थाना क्षेत्र का है, जहां मोहम्मद मुशफिक नाम का अंडा कारोबारी करीब दोपहर 4 बजे HDFC बैंक पैसा जमा कराने अपनी बाइक से आया था, जिसको साजिद नाम के बदमाश ने दिन दहाड़े बैंक के बाहर ही अपने 5 गुर्गों के साथ घेर लिया, 10 लाख रुपये महीना रंगदारी मांगने के लिए असलहा दिखाते हुए धमकाया भी। रंगदारी न देने पर बदमाश ने कारोबारी को लखनऊ में व्यापार न कर पाने और जान से मारने की धमकी भी दी। धमकी मिलने के बाद पीड़ित कारोबारी शाम 7 बजे SSP से मिलने पहुंचा, जहां SSP के निर्देश पर रात 11 बजे हजरतगंज थाने में रंगदारी मांगने के आरोपी साजिद और 5 अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस जांच में जुट गई है। मैं मोहम्मद मुशफिक निवासी न्यू हैदराबाद, मेरा एक्स का होलसेल काम है, साथ में मैं जो हूँ बिल्डर का भी काम है। जब मैं 4 बजे HDFC शाखा हजरतगंज ब्रांच से निकला तो मोहम्मद साजिद अहमद, जो कि निवासी वजीरगंज घुसियाने के हैं, इन्होंने हमको 5 आदमियों के साथ रोका, धमकाया और पिस्टल निकाली। पिस्टल निकालने के साथ हमको 10 लाख रुपए की फिरौती हमसे मांगी कि अगर कोई आपको कारोबार करना है तो आप 10 लाख रुपए महीना हमको दें, वरना मैं आपसे आपको और आपके परिवार को जान से मार दूंगा। साजिद ये घुसियाने में रहते हैं वजीरगंज में, ये मुझे नहीं पता क्या है। बहरहाल ये 5 गुर्गों के साथ थे, हमारा गाड़ा लगाए हुए थे, किसी तरह मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा। कप्तान साहब के पास मैं करीब 7 बजे गया था, ये पूरा वाकया मैंने उनको बताया, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ हजरतगंज कोतवाली में उनके नाम FIR साजिद के नाम। न्यूज टाइम्स के लिए सुयोग्य राज द्विवेदी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।